Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, आज मैं आपके साथ एक ऐसा क्लिप शेयर करने जा रहा हूँ भाई। बुल फाइटर तो आपने अक्सर गेम में देखा होगा, लोग उसके ऊपर बैठते हैं और उसको यूं करके कंट्रोल करना होता है। वो समझ ले इंसानों को देखकर सर झुकाता है, वो भाई जो पागल हो जाता है ना, वही वाला बुल था। और असल में उस टाइम में यूट्यूब पे था नहीं, तो मैंने उसको वर्टिकल शेप में वीडियो बनाई हुई थी। जो ये वाला क्लिप है ना, वो आप जाके फटाफट पहले देखें। लाए रुक जाओ अभी नहीं, रुक जाओ गाइस, यकीन करें जब ये भागता हुआ गया है ना भाई, मेरे भी हाथ यूं करके कप कपाने लगे थे। कजन लोग सब के सब जिनका जानवर है, हम लोग सब कप कपाने लगे भाई। हम लोग खुद भी नहीं पकड़ पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। मामू ने ना उसको पकड़ के जैसी रस्सी खींची, उनके हाथ पूरे यहाँ से ना पूरी के पूरी इतनी मोटी मोटी खाले ऐसे हट गई। और वो भाई गिर भी गया था, आपने देखा होगा कॉर्नर पे गिरा था, वो फिर उठ के भाग गया। सही है, फिर वो भागता हुआ वहां से गए गलियों में और कोई भी उसके सामने आया है ना, मतलब कोई बाइक वाला आया या कोई बंदा आया, सबको ऐसे सर झुकाया हुआ था। और झुकाते हुए जो भाग रहा था ना वो भाई, वो भागते भागते इतनी तेज भागा कि हम लोगों की नजरों से ओझल हो गया। किसी को पता ही नहीं कि जानवर गया कहाँ। फिर हम लोगों ने लोगों से पूछा, भाई इधर से कोई भागता हुआ गया है जानवर, यहाँ से गया? फिर लोग बता रहे हैं, यार एक काला सा बुल, कह रहे हैं हाँ इधर भागा है। हम लोग फिर आगे और गए, आगे पूछा, काला सा बुल कहीं भागा, इधर कहीं भागता हो गया? फिर ऐसे लोगों ने बताया कि हाँ वो बराबर वाली गली में भागा है, हाँ वो बराबर से बराबर में भागा है। फिर ऐसे भागते भागते भाई काफी देर में हम लोग वहां पे पहुंचे। पहुंचे तो देखो एक जगह पे भाई रश लगा हुआ है, हम लोग समझ गए कि यहीं पर है वो। तो ना सीन क्या हुआ, बिल्कुल पतली सी गली थी। अच्छा, वो पतली सी गली में गया ना अंदर, फिर उसको जगह ही नहीं मिली भागने की, फिर वो वहीं पर खड़ा हो गया। और ना पतली सी गली में भाई दरवाजे खुले हुए थे, सब ने अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। अंदर ना वो ऐसे यूं खड़ा हुआ था, यूं आगे पीछे ऐसे ऐसे देख रहा था, जगह नहीं थी। तो फिर लोगों ने सीन क्या करा, ठेला आगे करके गली का मुंह बंद कर दिया और जो है ना सब रश लगा हुआ भाई वहां पे। फिर हम लोग ने ना वहीं पर एक घर से बात की, जिनका घर गली में था ना, तो उनका दरवाजा खुल गया, वहां से हम लोग ना ऊपर से फंदा मार सकते थे। तो हम लोग ने उनसे बात की, फिर उनके घर में गए भाई। सुबह सुबह का वक्त था, बेचारे वो लोग सबके सब सो रहे थे, लेकिन हम लोग ने गेट बजाया, एंटर अंदर हुए, सबके सब पूरी पब्लिक ही समझ लें, सबके सब इंटर हुए। फिर अंदर वहां पे थे ना, उसको फंदा मारा हमने, उसकी जो सींग थी ना, अभी मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ। सींग में हमने उसके ऐसे फंदा मारा, फिर फंदा मार के उसको दूसरी रस्सी हमने बिल्कुल बाहर फेंक दी गली के, वहां से बंदों ने उठाई और वो रस्सी उठा के उन लोगों ने एक दो बल खंभे में लपेटे और सारे बंदों ने वो रस्सी ना पकड़ ली। सही है, फिर उन लोगों ने जैसी रस्सी खींची, वो बाहर तो आ रहा नहीं था, लेकिन फिर हम लोगों ने पीछे से डंडे से डराया। जो भागता हुआ गया है ना, वो ये जैसे ये खंभा है, सही है, फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें इन लोगों ने रस्सी लपेटी भी और उसके यहाँ पे सींग में ना हम लोगों ने फंदा मार के इसे टाइट कर दिया था। सही है, वो भागता हुआ आया ना, सबने रस्सी खींची तो उसका ये सर ना ऐसे
इस जगह पे ना ऐसे लॉक हो गया, सही है, पागल हो गया। अच्छा पागल हुआ तो हुआ, पूरा यूं यूं करके ना पूरा खंभा हिला रहा था। हम लोग तो ये डर रहे थे कहीं ऐसा नहीं हो खंभा निकाल दे। आपको पता है जानवर में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी है, इतनी ताकत रखी है, अगर अपने पे आ जाए ना कोई छोटा सा जानवर भी भाई उसको संभाल नहीं सकता इंसान इतनी आसानी से। तो हमने उसको ना थोड़ा सा स्पेस नहीं दिया। अगर हम लोग जरी सी भी रस्सी ऐसे लूज छोड़ते ना, वो यूं ही करके घुमाता टक करके रस्सी, रस्सियां तो वो यूं तोड़ रहा था, रस्सी चुटकी बजाते ही तोड़ रहा था, मोटी से मोटी रस्सी, इतनी ताकत थी भाई। मैंने आज तक ऐसा जानवर नहीं देखा। हालांकि मैंने वीडियो बना के रखी हुई थी, लोग मुझे सब कह आ रहे थे शेयर करो यूट्यूब पे शेयर कर दो, लेकिन मैंने उस हिसाब से बनाई हुई थी, वर्टिकल शेप में बनी हुई थी, लेकिन फिर काफ़ी लोगों ने बोला तो मैंने बोला चलें शेयर कर देता हूँ, उन लोगों को बता भी देता हूँ आगे क्या सीन हुआ था। ये सर और ये टांग ऐसे करके ना उससे खंभे से ना थोड़ा सा करीब थी काफ़ी, तो ना दो तीन लड़कों ने सीन क्या करा, बहादुर बन के गए, हिम्मत पकड़ के, क्योंकि हम लोग ने तो उसको देख लिया था उसके क्या करता हुआ आया है वो, जिन लड़कों ने उसको देखा नहीं था ना वो क्या उधम मचाता हुआ आया है, उनकी थोड़ी हिम्मत थी। हम लोग तो खुदा की कसम कांप रहे थे, सब के सब यूं यूं कांप रहे, मामू बेचारे निडर, लेकिन उनका हाथ पूरा का पूरा ऐसा हुआ हुआ, पूरा हाथ छिल गया था, उन्होंने रस्सी से ताकत लगाई थी ना उसको खींच के गिराने की। अब हम लोग तो फुल कांप रहे थे क्योंकि हम लोगों ने उसको उसका आप ऐसे बाहर देख लिया था। अब जो नए लड़के आए थे ना उन लोगों ने देखा नहीं था भाई। सबसे पहले तो एक ने भाई लात खाई, लेकिन वो फिलहाल माशाल्लाह बच गया, शुक्र है, हल्की सी उसकी टच होकर गुजरी है तो उसके नील पड़ गया था। बहरहाल उन लोगों ने सीन क्या करा, आगे वाली टांग में उन लोगों ने जैसे तैसे यूं करके गुजारा, एक पांव और एक ये सर ऐसे यूं करके लॉक कर दिया, समझ लो खंभे में, पागल हो गया, खंभा हिला रहा था वो भाई। और फिर सीन क्या करा उन लोगों ने, पीछे वाली जो दोनों टांगे है ना बीच में से उन लोगों ने यूं करके रस्सी फेंकी, समझ गए होंगे आप लोग, तो रस्सी फेंक के फिर वहां से एक बंदे ने उठाई, एक बंदे ने इस तरफ दोबारा फेंकी, दूर से ही काम हो रहा है, गाय के करीब कोई नहीं जा रहा। तो उसके बाद ना उन लोगों ने दोनों पांव में एक साथ यूं करके ऐसे फंदा मार के भाई वो उसके दोनों टांगें फंस गई। जैसे ही फंसी हैं वो थोड़ा सा और पागल हुआ, इन लोगों ने जल्दी जल्दी इमरजेंसी भाई रस्सी रस्सी खींची, तो वो पीछे से यूं करके ऐसे गिर गया, मतलब आगे वाली टांगें उसकी यहाँ पे ऐसे बंधी हुई है, सर भी बंधा हुआ है और पीछे से दोनों टांगें भी बन गई। अब समझ लो उसकी तीन टांगें बंधी हुई, एक सर बंधा हुआ और एक टांग खुली हुई, तो क्या कर लेगा एक में। तो सीन ये हुआ जैसे ही वो गिरा है ना भाई, पीछे से लोगों ने फटाफट उसको पकड़ा है, नए लोगों ने, हम लोगों ने नहीं पकड़ा, हम लोगों ने उसको आपे से बाहर देख लिया था, सबको उड़ाता हुआ गया था वो गलियों के अंदर। सारी वीडियोस थी मेरे पास, मैं आपको दिखाता, लेकिन सीन पता है क्या हुआ, ये आज से 3 साल पुरानी वीडियोस है और मैंने जिनको जिनको शेयर की थी ना काफ़ी लोगों को, सबसे सारी की सारी वीडियो मिस हो गई हैं, लेकिन सिर्फ ये मेरे पास ना तकरीबन ये एक क्लिप है। तो इस वजह से ना यही काफ़ी लोग बोल रहे थे यही शेयर कर दो ये शेयर कर दो, मैंने बोला यार आधी सी है क्या बताऊँ, लेकिन फिर मैंने बोला चलें आपको स्टोरी टाइम की तरह मैं बता दूँगा क्या हुआ था भाई। फिर सीन ये हुआ दोनों पाँव बन गए, जैसे गिर गई सबने उसको पकड़ लिया, सही है, चेगा पाँव सही से बांध दिए, सही से बांध के इतनी सारी पब्लिक ने उसको पकड़ा हुआ था ना, बहुत सारी पब्लिक ने। और टांग खोल के जल्दी से ना सबने मिल के भाई दोनों पाँव उसके अगले भी बांध दिए, अगले बांध के पीछे वाले में भी लपेट दिया, चारों टांगे जब उसकी बन गई ना भाई लॉक हो गया, लेकिन वो गर्दन से भी नहीं संभल रहा था। तकरीबन 6-6 बंदे गर्दन उसकी पकड़े हैं, वो 6 बंदों समेत उठा दे रहा है गर्दन, यार नकेल भी कोई असर नहीं कर रही थी। असल में उसने ज़िंदगी इसी काम में गुजार दी, आपको पता है वो जो बुल फाइटर होते हैं यूं करते हैं बंदे को यूं यूं उठा उठा के फेंक रहे होते हैं सींगों से, काफ़ी बंदों ने हाथ लगाया तो वो संभला। फिर उसके बाद जो है ना एक और सीन, उसकी गर्दन जो है ना ऐसे यूं करके मतलब फ्रंट की तरफ नहीं कर रहा, ऐसे टेढ़ी रखी हुई थी, मतलब जैसे यूं करके ज़िबा करते हैं ना ऐसे नहीं ज़िबा करा, उसको यूं करके ऐसे 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 ज़िबा करा भाई, जैसे तैसे उसको गर्दन ने बोला इसके खून निकलेगा तो फिर इसकी जान ख़त्म होगी। और फिर भाई गर्दन तो सीधी कोई भी नहीं कर पा रहा था, एंड तक कोई भी नहीं कर सका, और फिर वो कटी हुई गर्दन उठा ले रहा था यूं यूं यूं। अगर वो वीडियो मेरे पास वैसे भी अभी होती तो मैं वैसे भी शेयर कर नहीं सकता था, आपको पता है यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है, ऐसे ऐसा आवाज़ें निकाल रहा था भौ, पूरी गली में आवाज़ ऐसी गूंज रही थी ना, सब खौफ से ऐसा डर रहे थे। ओ भाई फिर जैसे तैसे उसका खून निकलता गया कम से कम 10-15 मिनट में फिर वो समझ लिया ठंडा हो गया। घर था मूसा कॉलोनी में, और जाके वो ज़िबा हुआ था वहाँ तकरीबन करीमाबाद आया था, उससे बाहर निकलता ना वो करीमाबाद आया था, उन्हें वहीं पर ही पूरा जानवर वहीं पर ही बनाया उसी गली में,
किसी ने भी नहीं अपना जानवर जीवा होते हुए देखा भाई। सिर्फ और सिर्फ वीडियो थी मेरे पास, मैंने सबको शेयर की थी, लेकिन किसी एक ने भी संभाल के नहीं रखी। सिर्फ और सिर्फ ये वाला मेरे पास एक क्लिप था, तो मैंने बोला यार इसको शेयर करना लाजमी है भाई, तो मैंने बोला आप लोग को दिखाऊं। आज तक ऐसा बुल तो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा यार, होंगे पता नहीं होंगे, लेकिन आज तक मैंने तो ऐसा बुल नहीं देखा। बुल फाइटर की कुर्बानी भाई। फिर सीन ये हुआ भाई, उसके खाल वाल उतार के उसको सपने ना ठेले पे डाल डाल के लेकर आए, ले 4-5-6 चक्कर लगाए, फिर उसका जो है ना सारा का सारा सामान उसका घर पे पहुंचाया। सो बस बाकी हमारे काफी अच्छी अच्छी वीडियोस चैनल पे पड़ी हैं, आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिएगा चैनल, ऐसी वीडियोस आपने देखी नहीं होंगी कहीं पर, ये गारंटी है मेरी। सो बस फिलहाल मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं गाइस जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।